तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की है। एक तस्वीर में जश्न मनाई जा रही है तो दूसरी तस्वीर में जश्न मनाने की तैयारी की जतन की जा रही है। जी हां, पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी की है जहां चंडीगढ़ निगम की चुनाव में परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गुरुग्राम में जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के सेक्टर 5 के एक निजी गार्डन में हार से तिलमिलाई कांग्रेस पूरे प्रदेश की महिला संगठनों के साथ चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में प्रदेश स्तरीय महिला कांग्रेस की एक बैठक की गई जिसमें प्रदेश महिला की वरिष्ठतम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी जिलों की महिला पदाधिकारियों ने भाग लिया और इसमें उनको पाठ पढ़ाया गया कि किस तरह से जीत के लिए प्रयास करने हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करने हैं और क्या क्या स्टेप उठाने हैं जिससे ज्यादा की ज्यादा संख्या में महिलाएं और लोग कांग्रेस से जुड़ सके। इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि जीत के लिए किस तरह से संगठनात्मक ढांचा तैयार होता है। तो आइए सबसे पहले हम कांग्रेस की वरिष्ठ महिला से सुनते हैं, पदाधिकारी से सुनते हैं जिन्होंने आज इस कांग्रेस की क्लास में न केवल कांग्रेस पदाधिकारियों को लतारा बल्कि उनको यह भी दिखाया कि क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जिन पर इन्हें फोकस करनी है और नए साल में कांग्रेस को एक नए तेवर और नए क्लेवर में पूरे हरियाणा में खड़ा करना। तेरे पद लेके बैठना या आंदोलन करना ये फोकस नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि संगठन जो है पार्टी की बेस है और संगठन को मजबूत करना महिलाओं का तो आजकल ज़्यादा ही रोल हो गया। प्रियंका जी भी कह रही लड़कियों लड़ सकती हूँ, 40% यूपी में मिल रहा है, तो हर प्रदेश की महिलाएं क्यों नहीं जागरूक हों, क्यों नहीं आगे बढ़ें, क्यों नहीं कड़ी को आगे बढ़ाएं। तो ये सब महिलाएं मिलके एक प्रोग्राम के तहत ही आगे बढ़ेंगी, ये फोकस था। एक तरफ एक कांग्रेस अपनी प्लानिंग कर रही है हरियाणा में के आगामी चुनावों में परचम लहराने के लिए, महिलाओं को पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में जीत के बाद गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम के चुनाव और मानेसर में होने वाले नगर निगम के चुनाव में किस तरह से सभी वार्डों पर बहुमत से जीत दर्ज करे इसकी तैयारी कर रही है। और आज इस जीत के साथ साथ उन इलाकों में उन लोगों पर भी अपना दाव लगाना शुरू कर दिया है जो आगामी चुनाव में निगम के चुनाव में इनके कैंडिडेट हो सकते हैं। गुरुग्राम के अंदर हम झाड़ू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, 35 के 35 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे। रही बात महिलाओं को सीटें को लेके, हम और पार्टियों से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को आगे लेके आएंगे, यही हमारा एक मेन मकसद है। हम चाहे दिल्ली में हो या पंजाब में हो, आप देख सकते हैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी गई हैं। प्राइज रहते हैं, हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि हम अंडरडॉग की तरह काम करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी पिछले 15 से 20 सालों से चंडीगढ़ में, वहाँ पे लगातार कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आ रही थी, 25 साल से उन्होंने राज किया। उनके राज में सिटी ब्यूटीफुल नंबर 1 से नंबर 66 हो गई सफाई अभियान में। तो लोग जो है बहुत परेशान है और मीडिया वालों से अनुरोध करेंगे कि लोगों की जो इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट मत करिए।